कोविड-19 के चलते कटरा तहसील के अंतर्गत पड़ते 9 देवियां मंदिर बाकी धर्मस्थलों की तरह श्रद्धालुओं पर मंदिर जाने के लिए फिलहाल रोक है। जेके खबरनाव की टीम वहां का दौरा कर स्थानीय लोगों से, स्थानीय दुकानदारों से वहां का हालचाल जाना। वे स्थानीय दुकानदारों से प्रशासन से सरकार से अपील की दुकानदारों के लिए विशेष पैकेज दिए जाए ताकि वह फिर से अपना काम शुरू कर सके। 9 देवियां में जो यहां पे 9 देवी माता का मंदिर है कटरा के साथ लगते कटरा क्षेत्र के थोड़ी सी दूर है, तो यहां पर भी कोरोना वायरस के चलते जो है पिछले 3 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं यातायात पूरी तरह से बंद है। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो ऑन सीजन में यहाँ पर तो भक्तों का तांता लगा रहता था। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए स्थानीय निवासी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि कब से माता का मंदिर बंद है और किस तरह के यहाँ के हालात हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएँ। मेरा नाम ऐसे तो रंजीत है, ऐसे निक नाम से गिल्लू बोलते हैं। तो आप यहाँ पे दुकान करते हैं या? हाँ, शॉप है मेरी। अच्छा, तो पिछले सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मीडिया वाले हमारे पास आए। आप हमें सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लॉकडाउन के चलते, जो यात्रा बंद रखे हुए, धार्मिक स्थल जो है वो बंद रखे हुए हैं, तो उस बीच यहाँ के किस तरह के हालात हैं यहाँ के, अपने जो यहाँ पे गाँव हैं उसके बारे में बताएं। देखिए सर, 3 महीने से तो जो कोविड-19 का जो महामारी चल रही है उसके मुताबिक हमारा जो बिजनेस है बिल्कुल ठप है। हमारा सारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा टूरिस्ट के ऊपर है। तो इसको लेकर देखिए, हमारी तो इधर से 40,000 दुकानें हैं, वो सारा रोज़गार यात्री के ऊपर है। ये तब की जो कोविड-19 की महामारी चल रही है तब से सारा रोज़गार बंद है, जो दुकानों में सामान वगैरह सड़ पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेके खबरों से बात करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कटरा के निवासी ओम गुप्ता जी। तो ओम गुप्ता जी, जेके खबरों में आपका स्वागत है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद समझता हूँ रोहित जी। आप हम जहाँ पे इस टाइम 9 देवी का मंदिर है, जो कटरा का वो फेमस मंदिर है, ठीक कटरा से 10 किलोमीटर पड़ता है साइड पर 9 देवी का मंदिर, जहाँ पे रोहित जी इतना काम होता था, जहाँ भीड़ भाड़ होती थी, जो भी कटरा माँ वैष्णो देवी के दरबार पे लोग आते थे मथा टेकने के लिए, मनोकामना मांगने के लिए, जो 9 देवी का मंदिर देखेंगे आप, जहाँ पे इतनी भीड़ होती थी, जहाँ पे मेला लगा होता था, जहाँ पे यात्रियों का। लेकिन अभी फिलहाल ये 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन मंदिर यात्रियों के लिए मंदिर बंद रखी, हालाँकि पूजा आरती जो है सुबह शाम पुजारी करते हैं, लेकिन जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए मंदिर बंद रखा हुआ है। यहाँ के हालात के बारे में थोड़ा बताएं हमें, दुकानें भी बंद हैं। रोहित जी, जहाँ पे पूरी मार्केट, मैंने जहाँ पे आया था मैं, जहाँ पे 2 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे टोटली मार्केट बंद है, जहाँ पे कोई दुकान जहाँ पे खुली नहीं है, एक दुकान खुली है सामने चाय वाले की। उससे मैंने पूछा, मैं भाई साहब क्या क्या चल रहा है, कहते जी कहाँ पे कोई कारोबार नहीं, जब से यात्री टूरिस्ट जहाँ पे आना बंद हो गया है, जहाँ पे लोगों के ताले बजे हुए हैं कारोबार के अंदर। मेरी सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी कटरा माँ वैष्णो देवी के बारे में सोचें, कटरा वैष्णो देवी के अंदर थोड़ी से थोड़ी यात्रा शुरू करें, ताकि मंदिरों के अंदर जो फिर से चहल पहल होती थी पहले, कटरा वैष्णो देवी के अंदर फिर से हमारी चहल पहल होनी चाहिए। दूसरा नंबर मेरी फिर सरकार से विनती है कि सरकार कटरा के जो जितनी दुकानें जो जहां पे लोगों की बंद पड़ी हैं रोहित जी, मैं चाहता हूं कि इन दुकानदारों को मुआवजा मिलना चाहिए, दुकान के मालिकों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो दुकान के मुलाजम जो हैं, जो आगे काम करते हैं इनके आगे, कि 3-4 महीने से जो इतनी महामारी पड़ी है, इनके पास तो रोटी खाने के लिए पैसे भी नहीं है, ऐसे जहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर हैं। मेरी सरकार से विनती है कि दुकान के मालिकों को भी मुआवजा दिया जाए, जो दुकान में मुलाजम तकबा जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम लोग सरकार की बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जब तक हमारी सरकार हमारे बारे में सोचेगी। जय माता दी। ये थे ओम गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया और सरकार प्रशासन से मांग रखी कि जो जहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनके लिए विशेष पैकेज की बात कही है उन्होंने, कि उनको भी एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि वो यात्रा खुलने के उपरांत जो है फिर से काम अपना शुरू